नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव टीम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए नेताओं के बेटे बेटियों की लंबी कतार लगने लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे बेटियों को राजनीतिक रण में उतारने की कवायद में है, तो कई अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और राज्यपाल तक अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेतृत्व संकेत दे रहा है कि इस बार किसी बेटे बेटी या रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो पहले से विधायक कर रहे हैं या चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें इससे छूट दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी नेतृत्व इस मुद्दे पर अपना रुख नरम करेगा या फिर इन दिग्गज नेताओं के राजनीतिक वारिशों के लिए हिस्से में इंतजार ही आएगा। बीजेपी के कई सांसद हैं जो अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बेटियों को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे मयंक जोशी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुकी है और अब वो इस सीट से अपने बेटे को विधायक बनाना चाहती है। तो वही सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा अपने छोटे भाई जयनाथ कुशवाहा को भाटपार रानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल 2017 में बीजेपी के टिकट पर जयनाथ कुशवाहा चुनाव लड़े थे लेकिन सपा के आशुतोष उपाध्याय ने उन्हें हरा दिया था। बीजेपी अगर कुशवाहा को टिकट देती है तो एक बार फिर से पिछले चुनाव की तरह यहां मुकाबला होगा। कानपुर नगर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी अपने बेटे अनूप पचौरी के लिए कानपुर की गोविंद नगर सीट से चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। ब्राह्मण बहुल सीट पर सत्यदेव पचौरी 2 बार विधायक रहे लेकिन 2019 में उनके सांसद बनने के बाद सुरेंद्र मैथानी बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद है और उनके बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक है और दूसरी बार पार्टी ने फिर से उनको टिकट दिया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह भी लखनऊ कैंट और उत्तरी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी मलिहाबाद से बीजेपी की विधायक है। इस बार कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर मलिहाबाद से और दूसरे बेटे प्रभात किशोर सीतापुर की सिधौली सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आगरा से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की पत्नी टुंडला से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। एसपी बघेल खुद टुंडला से विधायक रहे हैं क्योंकि सरकार के कई मंत्री भी अपने बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की पथरदेवा सीट से चुनाव लड़ने के बाद उनके बेटे सुब्रत शाही चुनाव लड़ने की तैयारी में। सूर्य प्रताप शाही के बेटे को पथरदेवा से टिकट मिलता है तो वे देवरिया सदर से चुनाव लड़ने की जुगाड़ में। ऐसे ही रुद्रपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और मंत्री जयप्रकाश निषाद भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन निषाद पार्टी भी इस सीट को मांग रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के बेटे दिलीप दीक्षित उन्नाव की पूर्व सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस सीट पर बसपा के बागी अनिल सिंह विधायक है और वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसे में पार्टी के सामने दिक्कत है कि किसे टिकट दिया जाए। योगी सरकार के वित्त मंत्री रहे राजेश अग्रवाल ने 75 वर्ष की आयु के चलते अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। ऐसे में अब वे बरेली कैंट सीट से अपने बेटे आशीष अग्रवाल को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने बाकायदा दावेदारी भी कर रखी है। योगी सरकार में सहकारिता मंत्री और ओबीसी चेहरा माने जाने वाले मुकुट बिहारी वर्मा की उम्र 76 वर्ष हो गई है लेकिन वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में और साथ ही अपने बेटे गौरव के लिए कैसरगंज सीट से टिकट चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। कैसरगंज सीट कुर्मी बहुल मानी जाती है पर यहाँ यादव और मुस्लिम वोट भी काफी निर्णायक भूमिका में। लखनऊ मध्य सीट से विधायक और योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक की अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी के मंत्री सांसद ही नहीं बल्कि 2 राज्यों के राज्यपाल के बेटे भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान ने अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। तो वही वे बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान की मधुबन विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि इसी सीट पर बीजेपी नेता रामजीत सिंह के पुत्र अरिजीत सिंह ने भी टिकट की दावेदारी कर रखी है। तो वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा के बेटे अमित मिश्रा देवरिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। देवरिया सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। कलराज मिश्रा देवरिया से सांसद रहे हैं और अब उनके बेटे अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी पिच पर उतरना चाहते हैं। हालांकि देवरिया सीट पर बीजेपी
दावेदारी कर रखी है, जिसके चलते पार्टी के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं।